अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ में। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा कैराना से विधायक पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मरहूम मनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन की, उनको जेल से रिहाई मिल गई है। सबको मालूम है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस वक्त नाहिद हसन जेल में थे और जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़े। उनकी बहन ने इकरा हसन ने बहुत मेहनत की, लोगों का प्यार समर्थन और वोट मिला, नाहिद हसन जेल में पड़े रहते ही चुनाव जीत गए। लेकिन नाहिद हसन अब रिहा हो गए। नाहिद हसन की रिहाई पर उनके समर्थकों के खुशी में आंख से आंसू कुछ इस तरह छलक कर रह गए। नाहिद हसन की रिहाई पर उनके समर्थकों के खुशी में आंख से आंसू कुछ इस तरह छलक कर रह गए और पूरे कैराना में खुशी की लहर उठी के शेर पलटकर आ गए। नाहिद हसन की मैं बात कर रहा हूं। नाहिद हसन रिहा हुए और लखनऊ पहुंचे, लखनऊ जाकर उन्होंने शपथ ली और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके शपथ ग्रहण के दौरान उनके सहयोगी दो विधायक इनके साथ देखे जा रहे हैं, जहां एक विधायक सहारनपुर देहात विधानसभा 4 से आसू मलिक और दूसरी तरफ खड़े हैं विधायक भेट विधानसभा 1 से उमर अली खान। दोनों सहयोगी विधायक अपने विधायक साथी नाहिद हसन की शपथ ग्रहण में मौजूद है और कसूर भी आपको मालूम है नाहिद हसन का कि उन्होंने रिक्शा रेडी ठेली वालों की लड़ाई को लड़ा, उनकी आवाज बने। और यही सरकार को पसंद नहीं कि कोई गरीब की लड़ाई को लड़े, कोई गरीब की आवाज बने, ऐसा नहीं हो सकता। नाहिद हसन ने ऐसा ही किया था तो जेल में ठूसने का काम कर दिया। तो नाहिद हसन कई महीनों के बाद जेल से रिहा हुए और कैराना में ही नहीं सहारनपुर मंडल के अंदर नाहिद हसन की रिहाई पर खुशी का जश्न मना रहे हैं लोग। नाहिद हसन की रिहाई हुई, नाहिद हसन लखनऊ पहुंचे अपने सहयोगी विधायकों के साथ, आशु मलिक और उमर अली खान के साथ लखनऊ पहुंचकर शपथ ली और आज विधानसभा में हिस्सा भी लिया। तो दोस्तों, आपके लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़।